तो करनाल में सरकार की योजनाओं और नई तकनीक के बलबूते प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। सरकारी योजनाओं से किसान बागवानी की तरफ बढ़े और हाईटेक तकनीक से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। देश के पहले इंडो इजराइल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी कि सफेद रंग के पीले और जामुनी रंग की गोभी उगाने के परिणाम भी सफल रहे हैं। रंगीन गोभी न सिर्फ किसान को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए ये सेहतमंद भी होगी। सफेद गोभी के मुकाबले रंगीन गोभी में ज्यादा पोषक तत्व हैं। केंद्र के विशेषज्ञ अब किसानों को रंगीन गोभी की खेती की तरफ जागरूक करने के लिए कार्य करेंगे। बागवानी किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं व नई तकनीकों के जरिए हरियाणा सरकार बागवानी क्षेत्र को निरंतर बढ़ावा दे रही है। ऐसे में कई तकनीक हैं जो अब बागवानी के क्षेत्र में शामिल की गई हैं या जिनको ये कहें कि बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ इंडो इजराइल सेंटर के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, उनसे जानेंगे कि क्या नया विकास जो है तकनीकों में किया गया है, क्या नई वैरायटी है जो अब सब्जियों के क्षेत्र में लाई जा रही है। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अभी किस तरह से गोभी की वैरायटी में आप क्या बदलाव लेके आए हैं? सर, मैं सभी किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वेजिटेबल गरोंडा अभी जो प्रदर्शन लगा रहा है, हम सामान्यतः जो कितने किसान भाई हैं सफ़ेद गोभी जिसे हम कहते हैं और पत्ता गोभी के ज़्यादा खेती करते हैं, लेकिन जैसे साइंस बढ़ रही है, ब्रीडिंग वैरायटीज़ नई नई आए, तो हमने यहाँ पे उसे एक प्रदर्शनी प्लॉट लगाया है। जैसे कि शिमला मिर्च में कलर अलग अलग तरह का कलर अवेलेबल है, उसी प्रकार गोभी में भी अलग अलग तरह की वैरायटियाँ अवेलेबल है। तो हमने इस बार पहली बार यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन लिया है, जो ये आप देख पा रहे हैं पीली गोभी है और एक पर्पल कलर की गोभी है, ये हमने डेमोस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे लिया है। तो और अभी रेट की कंपेयर करें तो अभी जो दिसंबर जनवरी और फरवरी वाला जो महीना होता है उसमें जो सफ़ेद गोभी की जो रेट होती है 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन वहीं हम कलर गोभी की बात करें तो ये कम से कम मार्केट के अंदर 80 से 90 रुपये किलो तक इसकी किसान भाई इसकी प्राइस मार्केट में ले सकता है। तो अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम अगर लागत के अंदर किसान भाइयों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो हम ये किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि इन फसल को भी वो अपने यहाँ पे अपना सकते हैं। इसके अलावा गोभी के अंदर हमने ब्रोकली की भी तीन से चार वैरायटी का डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे लिया है और एक नई फसल और है जिसका नाम है ब्रसल स्प्राउट और जिसे बोलते हैं गांठ गोभी, जैसे नोल खुल बोलते हैं, वो भी हमने लिया है। ब्रसल स्प्राउट सामान्यतः मार्केट में आपको नहीं दिखती है और इसका कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक ब्रसल स्प्राउट में मैं बताना चाहूँगा, ये कोविड का कंडीशन बढ़ रहा है और लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत